हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम लोग यहां पर बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि स्टूडेंट्स के मन में लगातार आ रहे हैं। जब वो फॉर्म फिल कर रहा है तो उसको कुछ परेशानी आ रही है, तो जो भी परेशानी रहेगी या फिर जो भी आप लोगों को नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जो बात है, वो सारी की सारी बातें हम लोग यहाँ पर आज करने वाले। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एक करके क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहला सवाल कि सर देखो ओपन कब हो रहा है फॉर्म। तो देखो ये तो मेरे ख्याल से बेसिक सवाल है, है ना। तो ये फॉर्म जो है आपका ओपन हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग फिल कर सकते हैं, है ना। याद रखना लेकिन 29/8/2024 से पहले आप लोग को यहाँ पर ये फॉर्म फिल कर देना और एंड टाइम का वेट मत करना। लास्ट टाइम भी अगर बात करें 2018 का जब नोटिफिकेशन आया था, 2019 में जब आप लोगों का पेपर हुआ था, उस टाइम पर भी एंड टाइम पर आप लोग की साइट क्रैश हो गई थी, है ना। तो वो बात आप लोग यहाँ पर बात करके ध्यान करके चलना। अब देखो, अब आता है कि सर व्हाट आर द डेट्स फॉर मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन करने की डेट क्या रहेगी। तो देखो जैसे ही आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिल करके बंद कर देते हो, जैसे कि आपका फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो खत्म हो जाती है, उसके बाद आपके मॉडिफिकेशन की विंडो आप लोग यहाँ पर ओपन होगी, जिसकी डेट इन्होंने दे रखी है ना, ये 8-9 दिन तक आप लोग यहाँ पर आप भर सकते हो। 30/8/2024 से 8/9/2024 तक आप लोग यहाँ पर ये फिल कर पाएंगे, है ना। तो याद करके चलना, सितंबर तक आप लोग यहाँ पर कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सितंबर में ओपन होगी ये वाली विंडो, है ना। अगली बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि माई फाइनल रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड आफ्टर 29/8/2024। तो देखो अगर यदि आप लोगों का रिजल्ट याद करके चलना है ना, देखो जो भी डिग्री या डिप्लोमा का रिजल्ट है, अगर फाइनल रिजल्ट इस डेट के बाद आएगा तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो देखो सीधी सी बात है, आप लोग नहीं कर पाएंगे, है ना। देखो जो कैंडिडेट्स जिनका रिजल्ट इससे डिले हो जाता है ना, वो लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इससे पहले अगर यदि आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है तो आप लोग यहाँ पर डेफिनेटली तरीके से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली बात कि सर मैंने ALP का फॉर्म भरते वक्त या फिर अभी टेक्नीशियन का फॉर्म भरते वक्त उस टाइम पे मैंने यहाँ पर अकाउंट बना लिया था RRB पे, तो क्या मुझे यहाँ पर वापस से बनाना पड़ेगा। तो देखो इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, मैं पहले साफ साफ शब्दों में बता देता हूँ। आप लोगों ने एक बार RRB के अंदर जो अकाउंट बना लिया है, अकाउंट एक बार ही बनेगा, बस फॉर्म आप लोगों को यहाँ पर दोबारा डालना है ना। तो फॉर्म आप लोगों को डालना है, अकाउंट दोबारा नहीं बनेगा, एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि आप लोगों को दोबारा से अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली बात आती है, क्या आप लोग यहाँ पर आपने जो अकाउंट बनाया है उसको आप लोग एडिट कर पाएंगे। अगर यदि आप लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन करा दिया एक बार RRB पे, तो क्या उसको एडिट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो अच्छे से भाई जो भी डिटेल है ना आप लोगों की, नाम, आप लोगों का पिताजी का नाम है ना, मोबाइल नंबर, ये सब चीज है ना आप लोग प्रॉपर तरीके से डालना, ईमेल एड्रेस वगैरह तक सब कुछ। एक बार आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट कर दिया तो आप लोग यहाँ पर जो है एडिट नहीं कर पाओगे, ध्यान रख के चलना। अगला, क्या सर मोबाइल से फॉर्म भर सकता हूँ। देखो मोबाइल से आप लोग यहाँ पर भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर याद करके चलना कि कुछ मोबाइल्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करते, हो सकता है आप लोगों को फॉर्म भरने में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए, है ना। तो यूज करना आप लोग यहाँ तो डेस्कटॉप पे चले जाना। देखो आप लोग जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसका फॉर्म ही अगर यदि आप लोगों से गलत भरने में आ जाए या आप लोगों को मिस्टेक हो जाए तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी ब्लंडर हो जाएगा आप लोगों के लिए, है ना। तो आप लोग आसपास नजदीकी जो भी मित्र या फिर कोई भी आप लोगों के पास जो भी PC के लिए जो कैफे वैफे चलाता है वहां पर चले जाना, आप लोग यहाँ पर साइबर कैफे चलाता है वहां से आप लोग भर देना प्लीज, है ना। अगली बात कि सर पे लेवल्स क्या रहेगा। अगर मैं बात करें तो देखो पे लेवल्स ना दो तरह के पे लेवल है आप लोगों के, है ना। अगर हम बात करें पे लेवल 7 और पे लेवल 6 की, तो देखो अगर यदि बात करें पे लेवल 7, देखो पे लेवल 6 तो सब जगह मिलेगा, जितने भी जोन है ना सभी जोन के अंदर पे लेवल 6 मिलने वाला है आप लोगों को, लेकिन पे लेवल 7 ना सिर्फ गोरखपुर वाले RRB में। तो अगर आपको ज्यादा पैसे चाहिए, है ना, ज्यादा पे लेवल चाहिए, तो फिर आप लोग यहाँ पर RRB गोरखपुर भरे, ठीक है, चलो। और बाकी अदरवाइज बात करें तो बाकी दूसरे जोन में पे लेवल 6 मिलने वाला है आप लोग। अगली, कैन आई अप्लाई टू डिफरेंट RRB, क्या सर मैं एक या एक से ज्यादा बार फॉर्म भर सकता हूँ, है ना। दो तरह की क्वेरी है ना। देखो पहली बात कि क्या सर मैं दो अलग अलग जोन में फॉर्म डाल सकता हूँ। दूसरी क्वेरी, क्या एक ही जोन में क्या मैं दो बार फॉर्म डाल सकता हूँ। तो देखो दोनों ही केस में आपका जवाब, मेरा जवाब है ना, है ना, याद करके चलना, है ना। आप लोग दो अलग अलग जोन में भी फॉर्म नहीं डाल सकते और किसी एक जोन में भी आप लोगों को एक ही बार फॉर्म फिल करना है ना, ऐसा नहीं दो बार कर लिया। अगर यदि ऐसा होता है तो RRB आप लोगों का यहाँ पर क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरीज थी या कुछ डाउट्स थे जो कि स्टूडेंट्स के मन में आ रहे थे, ये जो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर फिल कर दिया, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी आप लोगों को और भी कोई क्वेरी है आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग छोड़ सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्ड आप लोगों को यहाँ पर मैं आपको कर दूंगा। फिलहाल के लिए तो इतना ही, मिलते हैं बाकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।